उज्जैन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। शहर में 32वीं बटालियन के 11 कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी एक दूसरे के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। शहरवासियों को कोरोना से बचाने के लिए जवान दिन रात सड़कों पर डटे हुए हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए समझाइश दे रहे हैं। उन्हीं कोरोना योद्धाओं पर संक्रमण का संकट बढ़ने लगा है। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में 32वीं बटालियन के 11 जवान संक्रमित पाए गए हैं। यह सभी जवान विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी दे रहे थे। उज्जैन एसपी ने बताया कि बटालियन के 26 जवानों की जांच करवाई गई थी, जिसमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुरुवार को आई रिपोर्ट के अनुसार 10 नए मरीज मिले हैं, जिसमें संक्रमितों की कुल संख्या 639 हो गई है। इनमें से अब तक 290 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं वर्तमान में 295 एक्टिव मरीज हैं जो उपचाररत हैं। देखिए, हमारा पुलिस अधिकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पे लगे हैं, उनके वेलफेयर और सुरक्षा को लेकर लगातार ध्यान रहता है। लेकिन जो हमारे QRF की 32 बटालियन की कंपनी थी, उसमें एक जवान था विजय राठौर, जो बेगमपुरा क्षेत्र में रहता था। अब बेगमपुरा क्षेत्र से जो एक राठौर फैमिली है, उस फैमिली से बहुत लोग संक्रमित हुए हैं। उसी के यहाँ संभव है कि उसका वहाँ आना जाना हो। सबसे पहले विजय राठौर संक्रमित हुआ। विजय की ड्यूटी जहाँ पे थी, वहाँ पे घनश्याम पटेल, रघुनंदन पटेल और महेंद्र संक्रमित हुए। और उसके बाद जब हम लोगों ने फाउंड आउट किया, तो हमारे विक्रमादित्य जो बैरक है, उसमें ही हमारी सारी कंपनी रहती थी। तो छानबीन से हम लोगों ने ये पता किया कि ये जो 7 लोग हैं, एक बैरक एक कमरे में अलग अलग रहते थे, और रेस्ट जो लोग हैं वो भी उसी बैरक अलग रहते थे। तो प्रिकॉशन के तौर पर हम लोगों ने सबका स्वास्थ्य परीक्षण करा करके उस कंपनी का जो बटालियन प्लाटून था, उस प्लाटून के सभी लोगों का हमने सैंपल भिजवाया था। और उस सैंपल में हमारे 11 लोग पॉजिटिव आए हैं, जो सभी एसिम्प्टोमेटिक है। केवल एक व्यक्ति सिम्प्टोमेटिक है, जिसको हमने अरविंदो भेजा है, और सभी अभी तक स्वस्थ हैं। लेकिन हमारा बड़ा अच्छा प्रयास रहा कि कम से कम ये फाउंड आउट कर लें कि जो हमारी पूरी प्लाटून है, इसमें कोई संक्रमित तो नहीं है। तो प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने उसका सैंपलिंग कराया था। सबको अभी PTS में रखा है, और सभी पे हमारी सुरक्षा का पूरा ध्यान भी है।